So good morning class. Today we will study about some important definitions or terms related with the coordination compounds. Our first term is coordination entity. What is the meaning of coordination entity? A coordination entity means that consists of a central metal atom or ion bonded to a fixed number of ions or molecules. मतलब एक coordination entity का मतलब है कि जहां पर एक central metal atom हो जो कि सेंट्रल मेटल एटम ले लीजिए, आयन ले लीजिए, जिसके चारों तरफ कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायंस लगे हों, दैट इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी. यू कैन सी द एग्जांपल, कोबाल्ट का एक कंपाउंड दिया है, COCl3 और NH3 के थ्री मॉलिक्यूल्स अटैच किए हैं. स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, दिस इज द इंडिकेशन कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यही पहचान होती है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ये जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं. अब आप इसमें देख सकते हैं कि कोबाल्ट में तीन क्लोरीन जुड़े हैं और तीन ही अमोनिया के एटम्स जुड़े मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं. सो द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड इज 6. यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कुछ भी नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. लेकिन आप अगर देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ध्यान से, तो अंदर 6 जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, एंड दैट इज वाई जो ये जो कंपाउंड है, इसकी सेकेंडरी वैलेंसी आपको समझ में आ रही है. और भी एग्जांपल्स दिए हैं, निकल का एग्जांपल दिया है, प्लैटिनम का एग्जांपल है, आयरन का है, एंड अगेन कोबाल्ट का एग्जांपल है. तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. आर सेकेंड टर्म इज सेंट्रल एटम और आयन. नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या होता है कि सेंट्रल एटम और आयन, in a coordination entity the atom or the ion to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement. Definite geometrical arrangement ka matlab hai octahedral hoga, tetrahedral hoga ya square planar hoga, usi se based, and that is known as central atom or ion. Usko hum central atom ya ion kehte hain. Example aapke samne hai, yahan par ek term humne use ki hai, these are known as Lewis acids, and you know what are Lewis acids. Aap bahut acche se jante hain Lewis acids hum kinhe कहते हैं. द थर्ड टर्म इज लिगेंड्स. तीसरी टर्म जो है, हम लिगेंड्स को डिस्क्राइब करेंगे. व्हाट आर लिगेंड्स? लिगेंड्स का मतलब होता है कि जो आयंस या मॉलिक्यूल्स सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ बाउंड होते हैं, दे आर नोन एज लिगेंड्स. द आयंस और मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सेंट्रल एटम और आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर कॉल्ड लिगेंड्स. अब लिगेंड्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आपके न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लार्जर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, इवन कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी आपके एज अ लाइगेंड जो है वो हम यूज करते हैं. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट, अटैचमेंट जो है कि उनकी साइट कितनी है, वो एक सिंगल एटम डोनर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो देंगे, चार देंगे, लाइक दैट. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी क्लासीफाई लाइगेंड्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज. हम डिफरेंट कैटेगरीज में लाइगेंड्स को डिवाइड करते हैं. जैसे यूनिडेंटेड, यूनि मीन्स सिंगल, डेंटेड मीन्स जो कि सिंगल जिसके पास डोनर साइट होगी, दैट इज नोन एज यूनिडेंटेट लाइगेंड. एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं इन सब के. देन डाइडेंटेट, डाई मीन्स टू, जिसकी दो डोनर साइट होंगी, जैसे कि इथेन 1,2 डाइअमीन है, ऑक्सेलेट आयन है आपका. ये ऐसे आपके लाइगेंड्स हैं जो कि दो बॉन्ड्स बनाते हैं, मतलब दो तरीके से जुड़ जाते हैं. पॉलीडेंटेट का मतलब, अगर मैं ट्राइडेंटेट यूज करूँ, इसका मतलब जो तीन जिसके पास तीन डोनर साइट्स हों, और पॉलीडेंटेट का मतलब जिसमें कि तीन या तीन से ज्यादा जो आपकी डोनर साइट्स होंगे. और उसमें एग्जांपल हम देते हैं EDTA. EDTA मींस ये जो है इसके पास 6 डोनर साइट्स हैं, EDTA, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट हेक्साडेंटेट लाइगेंड, एंड इट कैन बी बाइंड थ्रू 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम. एक सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है, एंड दैट इज नोन एज अ पॉलीडेंटेट लाइगेंड. Now, there are some different kinds of ligands. कुछ ऐसे ligands होते हैं which have 2 donor sites, जिसमें कि 2 donor sites हैं, लेकिन वो अलग-अलग atoms से दो तरफ से जुड़ जाते हैं. That type of ligands which have 2 different donor atoms are known as ambidentate ligands. उनको हम ambidentate ligands कहते हैं. जैसे कि NO2 एक simple सा example मैं लूँ, ये दो तरह कैसे जुड़ सकता है? नाइट्रोजन की तरफ से भी ये बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन की तरफ से भी. यू कैन सी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो नाइट्राइटो ग्रुप है, हम तब नाइट्राइटो वर्ड एन यूज करते हैं जब वो नाइट्रोजन की तरफ से
इलेक्ट्रॉन दे रहा है या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और जब वो ऑक्सीजन की तरफ से कर रहा है तब हम नाइट्राइटो ही लिखते हैं, लेकिन ओ लिखते हैं, ओ मीन्स ऑक्सीजन की तरफ से वो जुड़ा है। तो सच टाइप ऑफ लाइगेंड्स जिनमें की डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं दे आर नोन एज एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। इसके एग्जाम्पल आपको याद करना है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल आप HCN लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका एग्जाम्पल इसका हो सकता है CN, साइनाइड ग्रुप होता है, वो कार्बन की तरफ से और नाइट्रोजन दोनों तरफ से जुड़ सकता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स। नाउ द लास्ट टर्म इज दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट में भी पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो नंबर होंगे लाइगेंड के डोनर एटम्स का अराउंड अ सेंट्रल मेटल एटम जो कि डायरेक्टली बॉन्डेड है, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लाइगेंड्स डोनर एटम्स टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्लैटिनम का एग्जाम्पल लिया है, PtCl6 और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर 2 नेगेटिव चार्ज लगाया है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिया है निकल का, निकल के साथ 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को जोड़ दिया और स्फीयर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं प्लैटिनम में देखूं दैट इज 6, क्योंकि यहाँ पर मेरा सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, और अगर मैं वही केस निकल में देखूं तो यहाँ पर 4 होगा। तो दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर के सेंट्रल मेटल एटम कितने लाइगेंड्स के साथ जो डोनर एटम्स हैं डायरेक्टली उनके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज बेसिकली योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो दिस इज अबाउट द सम टर्म्स। इसके अलावा मैं ये दो टर्म्स और आपसे एक्सप्लेन करूंगी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि जो स्क्वायर ब्रैकेट हम एक सेंट्रल एटम और उसके कुछ लाइगेंड्स के चारों तरफ लगाते हैं जिसको एनक्लोज करते हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इसके अंदर जो वैलेंसीज लिखी हुई हैं वो नॉन आयनाइजेबल होती है, लेकिन इसके बाहर जो लिखी होती हैं दे आर आयनाइजेबल। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है पोटेशियम के 4 एटम लिखे हैं और अंदर आयरन और साइनाइड लिखा है। ये वाली जो वैलेंसी है जहाँ पर मेरा कर्सर है K4, दिस इज आयनाइजेबल, और अंदर जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज नॉन आयनाइजेबल, एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली अटैच होते हैं वो किस तरीके से स्पेस में अपने आप को लोकलाइज्ड किए, किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। यू कैन सी हेयर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाय पायरामिडल एंड स्क्वायर पायरामिडल की शेप्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, वेयर एम इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड एल इज द लिगेंड, एल जो है वो आपका लिगेंड है। तो दिस इज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम का? इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट आर शेयर्ड विद सेंट्रल मेटल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके उसने अपने कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो उस पर चार्ज है नहीं है, दैट इज बेसिकली। जैसे अभी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिखाए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल था दिस वन निकल Ni कार्बोनिल लगा है उसके 4 एटम्स के साथ, जुड़ा है कार्बोनिल निकल के साथ। यहाँ पर जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज 0, वो 0 है। इसका मतलब निकल का जो ग्राउंड स्टेट में नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर निकल वो बियर करता है, तो दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर। होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमो मींस सेम, सेम का मतलब जहां पर जितने भी लिगेंड्स लगे हों वो सारे के सारे सेम लिगेंड्स होंगे मेटल एटम से जो लगे हैं, ओनली वन काइंड ऑफ डोनर एटम्स लगे होंगे, दैट इज नोन एज होमोलेप्टिक। और जहां पर आपके डिफरेंट डोनर ग्रुप्स लगे होंगे, आपके लिगेंड्स डिफरेंट लगे होंगे, दैट इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो दिस इज अबाउट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे।